पढ़ाई पे आ जाओ। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस करके आए हैं? अच्छा, एक भी बात एक हो रहा है। अच्छा, दो क्वेश्चंस बोर्ड पे देते हो उसकी बात कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं वो वाली बात कर रही थी क्योंकि एक दिया था और एक लास्ट में मतलब बोर्ड में दिया था, उसमें बड़ा बड़ा वाला से था दिए बाद में। cos 60 वाला। cos 60 वाला आ गया, हाँ वो वाला नहीं हुआ, मतलब cos 60 वाई नहीं है। करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। अरे मैंने बताओ ना, मैं बोर्ड पे करा दूं फिर। cos 60 वाला करा है दो किसी से। करा दूं? बोलो जरा क्वेश्चन बोलो। cos 60 +sin 45 cos 60 +sin 45 +sin 45 -cot 30 -cot 30 upon tan 60 tan 60 +sec 45 +sec 45 -cosec 30। cosec 30। और देखो सुनो ना, सुनो सुनो सुनाओ सुनाओ। उसको ना, इस बार मैथ्स अच्छे से करा देना, क्योंकि तुम्हें 9th में इस बार तो मैथ्स की जो टीचर थी ना वो बहुत गंदी है, उसको मुझसे कुछ दिक्कत रहती है। आई क्लास में बोली पलक स्टैंड अप, सीधा चौथी रो में उठा देगी जहाँ कोई बैठा नहीं रहता, बोलती मेरा काम कंप्लीट है तो तब भी आके मुझको उठा डालेगी। मैं एक बार हेड डाउन कर मैं दी तुझे करा रही और हूँ ना, मैं तो देख लिए। अभी हाँ ऐसा होना अच्छे से चाहिए कि करा देना। तो मैं अच्छे से नहीं करा रही हूँ। नहीं और वैसे बता रही हूँ, उनसे अच्छे से करा और देना। अच्छे से बगल में आके तेरे हाथ पकड़ के निकाल दो। हाँ तो कोई नहीं, इस नहीं बार ऐसा करना, मैडम क्वेश्चन लिख के ना उससे पहले तो आंसर फटाफट दे दियो, अभी ध्यान से ध्यान दे। ओके, cos 60 की वैल्यू बेटा टेबल में लिख के बता दो, टू 1/2 sin 45 1/√2 cos 30 थ्री यस टू थ्री वन टेन थ्री सिक्सटी टू रूट थ्री थ्री sec 45 1/√2 sec 45 1/√2 बेटा cos 45 रूट होता टू है, cos 45 है 1/√2, तो sec क्या होगा? sec तो cos का उल्टा होता है, सिर्फ रूट टू ना समझी, cosec 30 cosec 30 टू। अब देखो ऊपर वाले को एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा कुछ नहीं, इसके नीचे वन डाल दो, 2√2, दिस विल बी रूट टू प्लस टू माइनस 2√6। यस वेरी गुड 2√6। ये समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये बताओ, ये एक स्टेप समझ में आया नहीं आया? पक्का जी नहीं आया तो बेटा पूछ लियो, पूछने में कोई मेरी दिक्कत नहीं बेसिक है, कोई जम रही आपत्ति है। नहीं है। वेरी गुड, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट रूट सेम नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है हमारे पास में, तो हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, होल अपॉन वन है आपके पास में, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दिस विल बी वन अपॉन अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू माइनस टू, यही हो जाएगा आपके पास में। अब कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो रहा है तो भाई ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस टू माइनस 2√6 होल अपॉन 2√2 इंटू रूट थ्री इज 2√6 +4 प्लस फोर प्लस माइनस फोर -4 रूट टू, -4 ये हो जाएगा आपके पास में। अब क्या कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, आंसर इतना ही हो जाएगा फिर। लेकिन मुझे रूट में नहीं आता। सो आप रैशनलाइज कर दीजिए, या तो इतना ही छोड़ दीजिए, अगर दो नंबर का क्वेश्चन है इतना ही छोड़ दो, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2√6 माइनस 4 प्लस 4। को गलत है। हाँ सिर्फ साइन चेंज करना है। समझ में आ गई बात? इससे अगला दिया था कोई क्वेश्चन, वो 8√3 वाला, उसका आंसर क्या है? वेरी गुड, नहीं किया, नहीं आया, किया नहीं मैंने, क्यों? कंप्लेन भेजू क्या घर पे? नहीं कर लूंगी मैं। दिस इज लास्ट टाइम बेटा, अब ऐसे ही करते रहोगे तो फिर मुझे सही में कंप्लेन भेजनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे, अभी कलम चलाना छोड़ दीजिए, अभी इधर ध्यान देंगे, अब इधर बताएंगे मुझे कि मैं क्या करूं। इफ 2 cos
इफ टू कॉस थ्री थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री, इफ टू कॉस थ्री थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब एंगल बताओ हमें क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल बता दीजिए भाई, एंगल क्या आ रहा है आपके पास में बताइए, 30 नहीं आएगा 30 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 10 वेरी गुड देखो भाई जिसको समझ में नहीं आया इधर ध्यान दे देखो क्या है आपके पास में 2 cos 3 theta equals to root 3 क्या है आपके पास में 2 cos 3 theta equals to root 3 पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं 2 इधर का उधर चला जाएगा ये आ गया cos 3 theta equals to under root 3 upon 2 है कि नहीं cos 3 theta equals to under root 3 upon 2 अब देखो हमारे पास में क्या इधर cos तो आप देखो क्या cos में कोई वैल्यू होती है जब ये रूट थ्री बाई टू होता है क्या होता है cos 30 पे तो ये आ गया cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 30 cos से cos कट गया ये आ गया 3 थीटा इक्वल्स टू 30 तो थीटा क्या आ गया 10 समझ में आई बात थीटा क्या आ गया 10 पक्का चलिए क्वेश्चन कर अब ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे पलक बोर्ड पे करेगी क्या अरे यार कब बोर्ड पे करने के लिए आएगी करूंगी इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंगल ए एंगल बी के इक्वल है 45 डिग्री कहता है देख वेरीफाई वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मेरी सॉल्व करने की बारी है जब तक गंदा क्वेश्चन दे दिया सबसे आसान क्वेश्चन दिया है बेटा ये आसान लग रहा है हाँ किसमें होती है वेरीफाई और प्रूव दैट में यहाँ हमें नहीं पता फाइनल आंसर क्या आएगा पर वेरीफाई प्रूव दैट में क्या है वेरीफाई करना है मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आनी है सॉल्यूशन निकालना है आंसर तो पता ही है तुम्हें तो आगे ध्यान रखना है देखो क्या है आपके पास 45 है ना तो साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री ठीक है अब देखो 45 प्लस 45 इज 90 तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या दिस विल बी साइन 90 इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाई व्हाट इज कॉस 45 अगेन 1/√2 वेरी गुड नाउ व्हाट इज कॉस 45 1/√2 सो मल्टीप्लाई 1/√2 राइट साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 बहुत अच्छे साइन 90 आपके पास 1 है तो 1/√2 इनटू 1/√2 इज 2 तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2/2 कैंसिल हो गया क्या आ गया 1 LHS equals to RHS, hence verified. है कि नहीं? अब बता क्या करना था कह रही है आपने मेरे टाइम पे इतना घटिया सा क्वेश्चन दे दिया अब बता मैंने घटिया क्वेश्चन दिया तेरे टाइम पे फिर बेटा इतना आसान सा क्वेश्चन दिया था सिर्फ वैल्यू को पुट करना था नथिंग एल्स सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वेरीफाई वाले प्रूफ वाले सबसे आसान अगला क्वेश्चन करें तो बोर्ड पे करके बताएगी
एक तारीख के बाद मैं पूछूंगी नहीं, एक तारीख के बाद पूछूंगी नहीं। फिर वो जो कहती है ना कि दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो वाला दिख जाएगा तुझे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो हर टाइप का करा रही। सबसे पहले हमने किया जहां हमें सिर्फ सिंपली वैल्यूज को पुट करना होता था और वैल्यूज को निकालना होता था। दूसरा हमने क्या करा कि जब हमें थीटा फाइंड करना है, 2 sin 3 θ = √3, जहां हमें थीटा निकालना था, थीटा क्या है। थर्ड इस टाइप का आ सकता है आपके पास में, वेरीफाई करने वाला आ सकता है, ठीक है। अगेन हमारे पास एंगल निकालने का आएगा, पर एंगल निकालने का अलग अलग तरीके से आता है। तो दूसरा तरीका बता रही हूँ। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी, हमें साइन ए की वैल्यू नहीं दी, साइन बी की, समझ लीजिए प्लीज, अभी मत करें, हाथ चलाओ। साइन ए माइनस बी की आपको वैल्यू दे दी है कि साइन ए माइनस बी कितना है आपके पास में, साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आपके पास में, हाफ। अरे नहीं नहीं, वो अयान का मैसेज आया था रोजे वाला ही, सो आई वाज जस्ट चेकिंग दैट। कॉस ए प्लस बी इज हाफ, आपको दिया साइन ए माइनस बी हाफ है आपके पास में, और कॉस ए प्लस बी भी हाफ है आपके पास में, ठीक है। और कहता है कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है आपके पास में। कहता है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। हाँ ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है आपके पास में, पर बुक में थर्ड एक्सरसाइज में लास्ट में है। बताइए क्या करेंगे। बताओ सोच के बता। हाँ 60 होगा। मेरी गुटाना नहीं मान रही बेटा। अच्छा ताना क्यों मान रही है तुझे? ताना नहीं, मैं चाटा मारूंगी। ताना नहीं मारूंगी, ताने मम्मी को दे दे बस। बहुत अच्छे, सही दिमाग लगा रही है, ऐसी लगाती रहेगी तो आगे अच्छा होता जाएगा। देखो साइन था इधर, तो हम देखेंगे कि साइन हाफ कब होता है हमारे पास में। साइन हाफ कब होता है? 30 डिग्री के। देयर इट विल बी साइन 30। साइन से साइन गया, ये आ गया ए माइनस बी इक्वल्स टू 30। एक इक्वेशन आ गई आपके पास में, है कि नहीं? ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ है, कब होता है? cos 60 पे। cos से cos गया, a plus b equals to 60। ऐसा है पेपर में, इसको गया गया मत कर देना, ये तुम्हें अभी समझा रही हूँ। पेपर में काट मत देना, डायरेक्ट लिख दो a minus b equals to 30। काटना नहीं, होता क्या है साइन इसके नीचे आएगा, इनवर्स हो जाएगा, फिर पावर 1 - 1 जीरो हो जाएगी, होता वो फंडा है। पर हम सीधा बोल देते भी कट गया, तो पेपर में काट मत देना, ये सिर्फ समझाने के लिए। मतलब तुम इस स्टेप के बाद में सीधा वो मेंटली माइंड में कर दो क्रॉस, ठीक है। यहाँ क्रॉस नहीं करना है, ऐसे लिख देंगे। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, अब लगाते हैं हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन से समझा देती हूँ अभी, क्योंकि एलिमिनेशन आप लोगों ने अभी किया नहीं, हमें थर्ड चैप्टर वो आता भी नहीं होगा। देखो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 है, तो ए निकालेंगे, माइनस बी उधर चला गया 30 प्लस बी, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, एक ही जगह लिख देंगे 30 प्लस बी, तो 30 प्लस बी इक्वल्स टू 60। 30 प्लस 2b इक्वल्स टू 60 क्या आ जाएगा? 2b इक्वल्स टू 45। कैसे आया बेटा 60 माइनस 30? माइनस 45 आता भी कहां से, तू कौन सी दुनिया में है? तो b कितना आ जाएगा? 30 / 2 = 15।
बी कितना आ गया 15. अब यहां से ए कितना आ जाएगा 30 प्लस 50 40. अच्छा एक चीज और, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यू में आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यू में आ रहा है आपके पास में, और अगर टाइम नहीं बच रहा है, टाइम बच रहा है तो सॉल्व करके देखो, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 15:45 होता है. एक एंगल 15, एक एंगल 45, मतलब हमेशा मीन्स 90% केस में 15:45 वैल्यू देते हैं इसको, ठीक है. तो अगर एमसीक्यू में आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द टाइम, और तुक्का मारना है भाई, मेरे को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो वो ऑप्शन तुक्का मार दो जहां पे 45:15 मिल रहा है, ठीक है. चलिए जी अगला करें, इस बार करेगी बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के बताऊंगी. क्वेश्चन लिख के बताऊंगी. If sin x plus cos y equals to 1. कहता है भाई अगर sin x plus cos y की वैल्यू कितनी है 1, एंड x is 30 डिग्री, फाइंड y. बहुत इजी, बताओ क्या करेंगे. आशीष आप भी बताइए क्या करेंगे. नहीं बेटा जी बताओ क्या करेंगे. पलक नहीं 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 रुकना है, जल्दी बताओ. ओ कुड़िए जल्दी बताओ. दिया क्या है साइन एक्स की वैल्यू 30 के देना है और वाई निकालना है. तो जब भी वैल्यू होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है वैल्यू को पुट करना. तो सब कम से कम उसको पुट करके उसका चेहरा तो देख क्या बन गया उसका चेहरा, कुछ जाना पहचाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है. एक्स की जगह पे पुट कर दिया 30 बोलो 60 आ रहा है. अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है हाफ, हाफ तो हाफ प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1. तो ये कॉस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो कॉस वाई इक्वल्स टू हो गया हाफ. अब कॉस वाई हाफ कब होता है 60 पे. तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 60. समझे. चलो यहाँ पे भी एक समझ लो, शॉर्टकट मान लो या कुछ भी मान लो. इधर देखो बेटा, कभी भी क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1, और आपको एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल निकालना है, एमसीक्यू है आपके पास में, ये असर्शन है. तो ये चीज याद रखो, दोनों के एंगल्स का जब सम 90 होता है तब ये आंसर बना. आ रही बात समझ में. दोनों के एंगल का सम जब 90 होता है तभी एंगल सॉरी तभी इनका सम 1 आता है. तो अगर एमसीक्यू है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या इसमें भी अगर आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है. देखो x 30 था, y कितना है 60, 30 प्लस 60 90. मान लो अगर एग्जाम को 45 दे दिया तो बिना सॉल्यूशन बताएंगे y कितना आएगा 45. x अगर आपको 60 दे दिया बिना सॉल्यूशन बताएंगे y कितना आएगा 30 डिग्री. x अगर आपको 0 दे दिया तो y कितना होगा 9. समझ में आई बात, याद रहेगा. लिख भी कर सकते हो इसको पॉइंट के साथ में. ये शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हें एमसीक्यू में थोड़ा सा टाइम बचाने में मदद करेंगे. तभी वो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन बोलते हो ना, अरे बड़ा लेंथी पेपर था. तो बेटा लेंथी कुछ नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ होती है. अगला क्वेश्चन
एंगल्ड एट बी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं घुमा के दे रही हूं. इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है भाई एबीसी जो राइट एंगल है कहां पे, बी पे. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल ए क्या है आपका, इक्वल है एंगल सी के. तो कहता है भाई वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी. साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. सेकेंड पार्ट है आपके पास में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी. बताइए जी कैसे करेंगे, सोचिए. आंसर वन से चलेगा काम, कैसे? एंगल ए इज इक्वल टू 90. इधर सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे नहीं चलेगा आंसर, वो तो लॉजिकली आ जाएगा आंसर वन पर. कैसे बताया आपको वो तो अभी प्रॉपर्टी लगाते थे, तीन नंबर क्वेश्चन आएगा था वो. नहीं फिर अभी तो बताया नहीं आपको क्या दोबारा बोलो. एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. कैसे? देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है भाई. बी भाई साहब को दे दिया कितना है, 90 है. तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 आ गया आपके पास. ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए आ गया आपके पास. फिर कंडीशन दी है आपको क्या, कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, मतलब एंगल ए 45 तो भाई सी भी हो गया 45. तो अब क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे. यह रहेगा साइन 45 कॉस 45 प्लस कॉस 45 साइन 45 मल्टीप्लाई साइन 45. दिस विल बी व्हाट, 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 इनटू 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब 2 इनटू हाफ इनटू 1/√2, मतलब वैल्यू आ गई 1. मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है. मतलब 1/2 प्लस 1/2 आएगा ना इनटू 1. अच्छा हाँ सॉरी, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ. नेक्स्ट की वैल्यू साइन ए कितना है, 45. बी कितना है, कॉस 90. कॉस 45 कॉस 90. साइन 45 1/√2, कॉस 90 इज 0. cos 45 is 1/√2. 1/√2 cos 90. आंसर आ गया आपके पास में 0. समझ में आ गई बात पक्का? चलो अभी एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, जैसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना अभी, इसी टाइप का क्वेश्चन. पलक करेगी बोर्ड पे बस, कुछ भी हो अब तो पलक बोर्ड पे करके ही रहेगी. ऐसा स्टेप वाइज बताया तो मैं भी कर दूं, कि मुझे लगे हाँ चल ठीक है तुझे बोर्ड पे लिखने में आपत्ति है, मैं बता दूंगी तो तू बताएगी. अगर तू नहीं बताएगी तो थप्पड़ मारूंगी. बेटा नहीं बोलना आपने, इनको बताने दे. इफ साइन ए प्लस 2b इज √3/2, इफ साइन ए प्लस 2b इज
रूट थ्री बाय टू एंड कॉस एट प्लस फोर बी इज जीरो डिग्री. दो रिलेशन दे दिए, साइन ए प्लस टू बी और कॉस ए प्लस फोर बी का आपको रिलेशन दे दिया. और ये भी कहता है कि भाई ए ग्रेटर देन बी है. बता दो ए और बी क्या है. साइन तो 60 होगा. क्या लिखू बोलो. अरे एक सेकंड बता रही हूँ. होगी एक सेकंड. छिट्टी बोलो. बड़ा तो कौन सी होगा. आपने लिखू क्या स्टेप बताओ. पहले तो आप टी शर्ट पहन के आइए. नेवर गिव अप. हर एक मिनट में गिव अप कर रही है. लिखू पर ऑलवेज गिव अप. फाड़ दे इस टी शर्ट को. कोई फायदा नहीं ऐसे टी शर्ट पहनने का. नेवर गिव अप बट आई एम नॉट गिव अप. सोच आले में जा सकते हैं हम सोचने के लिए. ये ए प्लस टू में क्यों दे दिया आपने बीच में सॉल्व करने के लिए. आशीष कैमरा ऑन करो और बताओ उस क्वेश्चन में क्या करेंगे. बोल बेटा सही बोल रही थी. देखो अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा. मार मार के थप्पड़ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा तेरा. बोल क्या बोला. सबसे पहले तुमने क्या बोला था. साइन की वैल्यू 60 होगी. वेरी गुड. तो इक्वेशन क्या लिखूं ये बताओ मुझे. मैं यहाँ पे फोर्ड पे अभी क्या लिखूं क्या लिखूं क्या. क्या इक्वेशन दिए क्वेश्चन में. कि साइन ए प्लस टू बी. पहले वही दो उसी को बता दो. साइन ए प्लस टू बी equals to root 3 by जो 60 है. तो जो 60 है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे. इसकी जगह लिखेंगे ना sin 60. ये लिखेंगे हाँ भाई. हाँ तो वही बोलो ना. वो बोलना है ना. ना मैं तो अंतर्यामी हूँ. रामदेव की आत्मा मेरे अंदर है. मैं समझ आती हूँ तेरे अंदर क्या चल रहा है. अरे वो बोलना है ना. ना मैं तो अंतर्यामी हूँ बेटा. तो sin से sin गया. क्या बचेगा. a plus 2 b equals to 60. और फिर ऐसा सेम ना सेम टू सेम नहीं हो जाओ. हाँ कॉस की वैल्यू तो ऐसे सेम. क्या लिखो बोल. तो कॉस ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू जीरो. और फिर लिखो कॉस ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 90. सिर्फ 90 कॉस 90 कॉस 90 और कॉस कॉस काट दो. ए प्लस बी इज इक्वल टू 90. धन्य हो माते. अब क्या करें. फोर बी फाइव ए प्लस सॉरी फोर बी. अब क्या करें. मैं भी a प्लस बी लिख के बैठ रही हूँ. a प्लस बी बोल रही हूँ. मैं भी b. अब क्या करें. अब मंगना पालो भाई. मैं सही में मैंने ऐसे कितने दिन बोर जाती हूँ ऐसे कितने दिन करके आ लेती हूँ. बताओ इसीलिए भी नोट करने देती हूँ मैं क्योंकि तुम्हें मुझे पता है तो पलट पलट के देखती है. दिमाग पे पलट दिमाग पे जोर डाल. क्या था जब दो इक्वेशन आती है तब क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए. इसका 40 आएगा. ऐसे नहीं ना बेटा सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं कैसे. किसी के एक की वैल्यू निकाल लो. यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं. 60 माइनस टू बी. स्टेप बता आंसर मिल बता. ये देख मैंने बोला स्टेप बता आंसर मत बता पर फिर भी आंसर ही है. मैंने तो मैंने थोड़ा सा वैसे हटके ही किया है ना.
कोई नहीं, हम हटके नहीं, हम सिंपल तरीके से करते हैं, पहले सबको समझ में आ जाए। सिंपल ही है लेकिन चलो कोई नहीं कोई नहीं, देखो पहले सबको समझ में आने वाला लाइक करते हैं ना, पहले ये लोग समझ जाएं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से ए निकाल लेते हैं, टू बी उधर से लग गया, आ गया 60 माइनस 2b, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 60 माइनस 2b प्लस 4b इक्वल्स टू 90। माइनस 2b प्लस 4b क्या आ जाएगा, प्लस 2b इक्वल्स टू 90। तो 2b क्या आ जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस 60, मतलब 30, 50। तो b आ गया 15, b आ गया 15। अभी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 60 माइनस 2 इनटू 15 मतलब 60 माइनस 30 क्या आ गया, 30। तो a की वैल्यू है 30 और b की वैल्यू है, मैंने भी तो बोला था, फिर मैं थप्पड़ लगाऊंगी और कहूंगी मैंने भी तो बोला था बेटा, हो जाएगा। तुमने क्या कर दिया, दोनों माइनस कर रही है, एलिमिनेशन से कर रही है, वो सबको आता नहीं है ना, इसलिए मैं भी वो करा रही हूँ जो सबको आता है। चलिए दो क्वेश्चन और इस टाइप के, नहीं इस टाइप के नहीं दे दिया, इस टाइप के मैं तुम्हें एक्सरसाइज में दे दूंगी, जो क्वेश्चन भेजूंगी नेक्स्ट क्लास तक। एक काम करना, जो पिछले टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन दिए ना वो करके आना, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके देखो, अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरीके से, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी की डायमेंशन क्या दे दी, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी आपको दे दिया 30 डिग्री, ए सी बी क्या दे दिया 30 डिग्री, कहते हैं भाई बी सी और ए सी बता दो, फाइंड बी सी एंड ए सी। अब इधर देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग इसको हवा ना बनाओ, ये क्या दे दिया, तो बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, आदत डाल लो बेटा जी अभी से, सबसे पहले ट्राइंगल बनाने की, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए सी भी दिया है 30 डिग्री, नहीं अभी नहीं ना ध्यान दो, ए सी भी दिया है 30 डिग्री, मतलब ये क्या है, बेस एंगल है, तो बेस एंगल हो गया सी 30 डिग्री, साथ में आपको क्या दे दिया, ए बी दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब भाई हमारे पास में अगर दो साइड होती है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कूदते कूदते निकाल लेते हैं, बचे थे पर जब है ही नहीं तब क्या करें, फिर तुम कहोगे हाइट दी, साइड का नंबर कौन सा गया, तो बेटा साइड का नंबर नहीं दिया, तो एंगल तो दिया है, एंगल तो दिया है, ठंड पाओ समझो, एक बार समझो, अगर इन दो में से मुझे एक साइड पता चल गई तो तीसरी में पाइथागोरस से आसानी से निकाल सकती हूँ, है कि नहीं, बहुत ही आसानी से आ जाएगी मेरे पास में। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रेशियो साइन पसंद लग रहा है, मैं फिलहाल साइन ले रही हूँ, तो साइन 13, साइन थीटा क्या होता है, टी बाय एच, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 इक्वल्स टू पी बाय एच, भाई पी पता है कितना, 5, तो 5 बाय एच पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच क्या आ जाएगा 5/2, एच क्या आ गया आपके पास में 5/2, तुमने मुझे गलत वैल्यू तो नहीं बता दी, 5/2 नहीं सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, मैंने वो लिखते हुए 5 × 2 = 10 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक तो है आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, या आप पाइथागोरस ना लगाओ, कोई दूसरा रेशियो यूज कर लो जिसमें बेस आ रहा है, कॉस थीटा यूज करते हैं, कॉस 30 क्या होता है, बी बाय एच
है कि नहीं? अब हमें एच पता है कॉस 30 कितना होता है, रूट थ्री बाय टू, हमें एच पता है कितना है 10, टॉस कर दो रूट थ्री अपॉन टू इन टू टेन, टू फाइव जा 10 क्या आ जाएगा 5√3, तो बेस कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, दोनों साइड आ गई। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन ले रही हूँ, करेंगे आप। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको दिया मैंने एक ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, आई गिव यू दैट दिस इज राइट एंगल एट क्यू, तो आपको दिया है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, आपको मैंने अब दे दिया पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है एंगल QPR एंड एंगल PRP। उल्टा दे दिया मैंने आपको, इधर क्या दिया था, इधर एंगल दे दिया था, दो साइड निकालनी थी, इधर दो साइड दे दी, एंगल निकाल, क्या करेंगे इधर बताओ, इधर इधर ही करेंगे, अभी कॉपी में नहीं प्लीज बेटा, इधर ही करेंगे, गलती होगी तो यहीं पे सीख लो, समझ में आ रही है ना, गलती होगी यहीं पे सीख लेंगे, बताइए क्या करो। सबसे पहले क्या करना है, पहले ट्राइंगल बनाना है, हाँ सॉरी मैंने बना लिया, सबसे पहला काम क्या है, ट्राइंगल बनाना है, क्यू को ले लिया है यहाँ पे, सिर्फ क्यू पता है, अबे आपको निकालना तो पीवी और आर पी है, तो दोनों में से किसी को भी ले लो, मैं पी यहाँ ले लेती हूँ आर यहाँ ले लेती हूँ। अब देखो पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा दूसरा एक और चूज करनी है, ये तो हमारा ध्यान ही रखना है कि सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज की है, ये चीज ध्यान रखनी है। पी आर आ गया 6 सेंटीमीटर। भाई अभी दो तरीके हैं इसको करने के, हाँ वो आपका वाला तरीका सुन लिया इसीलिए मैं बोल रही हूँ, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका है पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज भी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 25 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5, मतलब पी आ गया 5, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया आपका सीधा ये वाला, अब एंगल निकालना है, तो ये बेस एंगल है, कुछ भी ले लो, साइन थीटा ले लेते हैं, साइन पी ले लेती हूँ, एंगल है ना पी ले लेती हूँ, साइन पी इक्वल्स टू क्या होगा पी बाय एच, पी बाय एच तो 5/6, पर क्या इससे आपको एंगल पता चल रहा है बेटा, आपको तो एंगल निकालना है, नहीं इससे आपको एंगल नहीं पता चल रहा है ना हमारे पास में, अब देखो ये एंगल नहीं पता चल रहा है तो दूसरा लेते हैं, साइन से क्या हो रहा है ये कैंसिल नहीं हो रहा, हमारे पास एंगल नहीं आ रहा, तो साइन मत लो, कॉस लेके देख लो, दो मिनट रुक जाओ उसको समझाना है, इसलिए कॉस ले लो, कॉस पी क्या हो जाएगा बी बाय एच होता है, मतलब क्यू पी अपॉन पी आर मतलब क्या 3/6 1/2, तो वो रेशो चूज करो जो किसी एंगल में आते हैं, समझ में आ रही है बात, वो रेशो चूज करो जो किसी एंगल में आते हैं, तो कॉस पी क्या आ गया हाफ, हाफ कब होता है 60 डिग्री पे हाफ होता है, तो इसका मतलब ये एंगल आ गया 60, राइट एंगल मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, क्या क्या पता था 3 और 6, ये क्यू ये पी या दूसरे में क्या है पाइथागोरस लगाओ, ये मत जरूरत क्या है हमारे पास में, सीधा कर दो, आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है,
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज होते हैं? कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थ्री विल बी बी बाय एच, मतलब कितना? 3/6, मतलब 1/2, तो कॉस भी आ गया 1/2, जो कि कब होता है? 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब एंगल पी 60 हो गया, ये पी 60 है, तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से 30। समझ में आ रही है बात? ये जो किया ये अननेसेसरी चीज था, ऐसा नहीं करते तो एग्जैक्टली टाइम वेस्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? कि पहले जो आपको दिया है बेस दिया और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो पहले सोचो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज होता है? कॉस थीटा में यूज होता है, तो हम सीधा से लिख देंगे इसको बी बाय एच और एंगल निकालेंगे। समझ में आई बात? पक्का? तो ये था आपका सेकेंड टॉपिक, जिसमें कि हमने किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब एंगल्स दिए हुए हैं तब कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जब डायरेक्ट एंगल का सब्स्टिट्यूशन करना है आपके पास से, राइट, सीधा एंगल की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो। दूसरा आपके पास में जब इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, इसमें नहीं, जैसा हमने किया था a प्लस 4b, a प्लस b वाला, दूसरा टाइप वो है। तीसरा टाइप जब आपको a प्लस में भी नहीं दिया पर तब भी एंगल निकालना है, लाइक 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू रूट 3, जो मैंने आपको आज क्वेश्चन कराया, तीसरा टाइप वो। चौथा टाइप, पांचवा, ये मतलब ये दोनों एक में ही आ जाते हैं हमारे पास में। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर से। इसमें कोई डाउट है? पक्का वाला करना है, सेकंड एक्सरसाइज करके लेके आनी है अपनी एनसीईआरटी की। यू हैव टू ब्रिंग आल्सो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दिए हैं, आपने वो क्वेश्चंस भी करके आने।